जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, टोनी स्टार्क ने मार्वल के अंदर अपने आप को हमेशा ही अपग्रेड करने की कोशिश करी है अपनी गलतियों से। देखा है उसकी एवोल्यूशन कैसे डे बाय डे बढ़ती गई, उसके सूट कैसे अपग्रेड होते गए, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी बढ़ती गई। टोनी स्टार्क ने कॉमिक्स के अंदर भी इतनी मेहनत करी थी, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, हाँ, उसने कॉमिक्स के अंदर इससे दुगनी मेहनत करी थी। पहले आज हम लोग बात करेंगे टोनी स्टार्क के 5 ऐसे आर्मर्स के बारे में जो उसने ऐसे अपग्रेड करके बनाए कि मैं क्या ही बताऊं बस। अगर तुम ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नंबर 5, मॉडल प्राइम आर्मर। मॉडल प्राइम आर्मर टोनी स्टार्क ने तब बनाया था जब उसके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसने अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये आर्मर बनाया। अगर बात करूं पावर्स की, तो इसके अंदर सेम वही पावर्स है जो हर टिपिकल आर्मर के अंदर होती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिपल्सर्स, मिसाइल्स वगैरह वगैरह। जो आर्मर है पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखी थी। ये आर्मर टोनी की वॉच के अंदर होता है, यानी टोनी को जब भी चाहिए होता है वो वॉच दबा देता है और ये उसके ऊपर पूरा सूट अप हो जाता है। मॉडल प्राइम आर्मर अपने साइज को चेंज कर सकता है, यानी कि जब डॉक्टर डूम से लड़ाई हो रही तो मॉडल प्राइम आर्मर ने टोनी का जो साइज है वो बहुत बड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से टोनी जो जीत गया था। ये जो आर्मर है इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है टोनी के माइंड से, यानी कि जब भी टोनी को कोई सभी वीपन चाहिए होगा ये उसको बना के दे देगा। अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना, ये आर्मर निंजा की तरह अपने आप को सूट अप कर सकता है और समुराई की तरह लड़ सकता है। आर्मर की मजे की बात तो ये है कि जिस तरह से विजन जो है हर चीज के बीच में से गायब हो जाता है या फिर आर पार हो जाता है, लेकिन वो इस सूट के बीच से आर पार नहीं हो सकता। अब टोनी ने जिस तरह से इसको बनाया है, अगर तुम लोगों को जानना है तो कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट बना दूंगा इस पे। नंबर 4, एंडोसिम आर्मर। एंडोसिम आर्मर को सिम्बियोटिक आर्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस तरह सूट अप होता है टोनी के ऊपर लाइक वेनम की तरह। टोनी ने इस वाले आर्मर को सुपीरियर आयरन मैन स्टोरीलाइन में बनाया था। ये आर्मर स्मार्ट लिक्विड मैटर से बनाता है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी को भी सरपास कर देती है। कहा तो ये भी जाता है कि टोनी स्टार्क की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन में से एक आर्मर ये है। इस तरह से इस आर्मर की सूट अप बायोलॉजी थी, टोनी ने खुद कहा था वो इसकी सोल को फील कर सकता है। वैसे तो इस आर्मर का कलर व्हाइट रहता है, लेकिन जब भी टोनी स्टार्क किसी एनिमी से लड़ाई करता है तो इसका कलर सिल्वर या फिर रेड हो जाता है। पावर्स की बात करूं तो इसके अंदर सेम वही पावर है जो हर आर्मर सूट के अंदर होती है टोनी के। इन कहा तो ये भी जाता है कि ये जो सूट है कंडीशन और सिचुएशन को देख के अपने आप को बल्कि बना सकता है हल्क बस्टर आर्मर से भी ज्यादा। अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना, कॉमिक्स के अंदर एक दफा टोनी स्टार्क के सारे आर्मर्स उसके अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन एंडोसिम आर्मर उन सबको एक एक पंच पर लिटा रहा था। नंबर 3, ब्लीडिंग एज आर्मर। वाले आर्मर को टोनी ने रीड रिचर्ड के साथ बनाया था मिलकर। ये वाला सूट भी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था पूरा। अगली बात तो ये है इस आर्मर की, ये जो सूट है ये टोनी की बोन्स यानी जॉइंट्स के बीच में एड जॉइंट था, लेकिन टोनी की हड्डियों के बीच में इसके पार्टिकल्स लगे हुए थे। अगली बात तो ये है इस आर्मर की, टोनी जोन से भी वीपन सोचेगा ये वही वीपन बना देगा। टोनी स्टार्क का सिर्फ यही एक आर्मर है जो कि रिपल्सर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये आर्मर टोनी को 360 व्यू दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अगर टोनी को पीछे से भी कोई मारेगा तो अब टोनी आराम से बच जाएगा। ब्लीडिंग एज आर्मर इतना अपग्रेडेड था अपने टाइम से, उसके जितना छोटा बना सकता था और एलियंस के जितना बड़ा बना सकता था। इस आर्मर की सबसे मजे की बात मुझे क्या लगी, ये आर्मर डैमेज हो जाता है अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है। हमारे रीजेनरेटिव सेल हमारी चोट को दोबारा से सही कर देते हैं। नंबर 2, थॉर बस्टर आर्मर। इसे टोनी ने हल्क को मारने के लिए हल्क बस्टर बनाया था, वैसे ही कॉमिक्स में थोर को मारने के लिए या फिर रोकने के लिए थॉर बस्टर बनाया था। ये बात जो है कॉमिक्स में काफी डिकेड्स पहले की थी, यानी कि तब जब थॉर जो है एक क्रिस्टल देता है एनर्जी से भरा हुआ टोनी को, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बहस हो जाती है गवर्नमेंट इश्यूज की वजह से। थॉर को रोकने के लिए या फिर मनाने के लिए अपनी बात पे, इसी वजह से टोनी जो है थॉर बस्टर आर्मर बनाता है। थॉर बस्टर आर्मर है वो काफी टक्कर दे रहा था थॉर को। जो एनर्जी क्रिस्टल थॉर ने टोनी को दिया था वही टोनी ने इस वाले आर्मर के अंदर यूज करा। बस्टर आर्मर थॉर की सारी लाइटनिंग को सेव करके उसी के ऊपर डिस्चार्ज कर रहा था। इसी आर्मर के रिपल्सर इसने तगड़े थे जिन्होंने म्योनिर तक को रोक दिया था। फिर भी एक मैनमेड आर्मर किसी भी स्काई फादर को बीट नहीं कर सकता। इस आर्मर ने थॉर को अभी तक की बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 1, रू आर्मर। वो आर्मर सेम ब्लीडिंग एज आर्मर की ही तरह है, इन इसका जो मटेरियल है वो एसगार्ड से लिया गया है और टोनी ने इसको एसगार्ड जाके ही बनाया था। वाले आर्मर को टोनी ने फियर इटसेल्फ वाली स्टोरी लाइन में बनाया था कॉमिक्स की, यानी कि जब ओडिन का भाई सरपेंट 9 रियम्स को कंट्रोल करना चाहता था, यानी कि अर्थ को भी, इसने ये आर्मर एसगार्ड जाके बनाया था उरू मेटल से, यानी कि जिससे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर बने हैं। इस आर्मर के बनने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है स्टॉर्म ब्रेकर की तरह। अगर पावर्स की बात करूं इस आर्मर के, तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयर की तरह हो जाता है, और सुनने में तो ऐसा भी आया था कि ओडिन ने इसके ऊपर कुछ एंचेंटमेंट भी करी थी, इस वजह से ये आर्मर और पावरफुल हो गया था। जब सरपेंट मर गया ओडिन का भाई, तो ओडिन ने इस आर्मर के ऊपर से एंचेंटमेंट हटा दी। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों का फेवरेट आयरन मैन आर्मर कौन सा लगा इस वीडियो में, तुम लोग इसमें से कितने आर्मर्स को जानते थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी और वीडियोस देखने के लिए नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।